गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टी एस एन स्कूल अजमेर। टूडे वी रीड पेज नंबर 56 एंड पेज नंबर 59। सो नो स्टार्ट पेज नंबर 56। नेम इज टू वर्ड्स अ पीसफुल वर्ल्ड। क्वेश्चन अ, द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज सेट अप टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। टेक द क्यूज टू टेस्ट योर नॉलेज ऑन इट। बच्चों, आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको, इनमें करेक्ट आंसर आपको फिल करना है। फर्स्ट, इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशन UN एस्टेब्लाइज्ड। यूनाइटेड नेशन कब बना? 1945 में। आंसर इज 1945। सेकेंड, वेयर इज द सीट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आंसर इज द हेग्यू, नेदरलैंड्स में। थर्ड, नेम एनी टू परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट टू मेंबर्स कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रसिया, UK एंड USA। फोर, नेम द मेन ऑर्गन्स ऑफ द UN। UN का मेन ऑर्गन्स कौन क्या है बच्चों? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर बी, रीड द स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, देयर आर 193 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। क्या यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं? ट्रू। सेकंड, द यूनाइटेड नेशन फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द UN करेक्टर विच वॉज एडोप्टेड ऑन 26 जून 1945। आंसर इज ट्रू। थर्ड, इंडिया इज नॉट अ मेंबर स्टेट ऑफ द UN डैश। करेक्ट आंसर इज फॉल्स। फॉर, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द UN इज लोकेटेड इन द पेरिस। UN का, यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है क्या वो पेरिस में है? फॉल्स। फिफ्थ, द सेक्रेटरिएट कैरीज आउट द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आंसर इज ट्रू। सिक्स, द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN इज इन जिनेवा। WHO का और UNO का, UNO की एजेंसी क्या जिनेवा में है, हेडक्वार्टर जिनेवा में है? फॉल। सेवन, देर आर 7 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द UN। आंसर इज फॉल्स। एट, द एम ऑफ यूनिसेफ इज टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड टू डिफेंड देयर राइट्स। आंसर इज ट्रू। अब हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, पेज नंबर 59। वेस्टर्न इंडिया क्यूज। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दिस पैलेस एंड राइट द करेक्ट लेटर्स ऑफ द ऑप्शन इन द बॉक्सेज। चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है बच्चों, इन पिक्चर्स पे आपको, इन पिक्चर्स को देख के इनके करेक्ट आंसर फिल करने हैं। फर्स्ट पिक्चर इज, आंसर इज डी, आमेर फोर्ट। सेकंड पिक्चर इज सी चेडल। थर्ड पिक्चर इज बीबी का मकबरा। फोर्थ पिक्चर इज सोमनाथ टेंपल। क्वेश्चन नंबर बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु रूल्ड गोवा बिफोर इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी पुर्तगीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सेकंड, इन विच सिटी ऑफ गुजरात इज द साबरमती आश्रम द हेडक्वार्टर्स ऑफ महात्मा गांधी कैंपिंग अगेंस्ट टू द ब्रिटिश सोचेटेड। ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पोरबंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सेंटर्स ऑफ द हिंदूस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन गुजरात। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मेहरानगढ़। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वुड यू बी इफ यू आर विजिटिंग बाग बीच। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, गोवा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन विच स्टेट इन द सोलापुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। सोलापुर सुपर थर्मल पावर कहाँ पे है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन विच इंडिया स्टेट विल यू फाइंड हाजी अली दरगाह।
ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान। हाजी अली की दरगाह कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेट इन राजस्थान? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी वर्ली। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज हमने पेज नंबर 56 और 59 रीड किया, आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को चैप्टर संबंधी प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।